सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो का टॉपिक है व्हाट्सएप के अपकमिंग कुछ नए फीचर्स। व्हाट्सएप में कुछ नए फीचर्स आने वाले हैं जहां तक कि लीक्स लग रही हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे उन टॉप 8 लीक्स के बारे में जो काफ़ी हद तक सही हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फीचर है वो मल्टीपल नंबर सपोर्ट है, यानी कि वन ऑफ द डाउनलोड्स टू यूज़ व्हाट्सएप इज प्ले नाइसली विद मल्टीपल नंबर्स। मतलब कि जैसे कि आपको डुअल ऐप्स फीचर मिलते हैं शाओमी में, हुआई में, सैमसंग में और काफ़ी सारे ब्रांड्स में, पर एक सलूशन नहीं है। और जैसे कि आपको पता है चैटिंग ऐप है टेलीग्राम, और जैसे कि आपको पता है कि आप टेलीग्राम में 3 अकाउंट बना सकते हैं एक ही ऐप में, और व्हाट्सएप में ऐसा कोई फीचर है नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप में केवल एक ही फीचर है कि आप एक अकाउंट बनाइए उसी से करिए, वरना शाओमी के डुअल ऐप्स इस्तेमाल कीजिए उससे दूसरा अकाउंट बनाइए। तो व्हाट्सएप आगे चल के ये वाला फीचर लाने वाला है जिसमें आप एक ही व्हाट्सएप से 2-3 अकाउंट बना सकते हैं। जी हाँ गाइस, और ये अपकमिंग अपडेट्स में आएगा, इसको 2-3 महीने लग सकते हैं। और दूसरा फीचर है नोट टू सेल्फ, यानी कि अजय नोट टू सेल्फ एक फ़ीचर है जिसमें आप अपने को ही लिख सकते हैं। मतलब जैसे कि आप कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं या कुछ होता है स्क्रिप्ट, तो आप उसको कैसे व्हाट्सएप पे अपने किसी फ्रेंड को या अपने फैमिली मेम्बर को भेज देते हो, फिर बाद में उसको चेक करते। तो उसमें एक नया फीचर आने वाला है नोट टू सेल्फ, उससे आपको अपने आप को मैसेज लिख सकते हैं और फिर वो बाद में रिमाइंड करवा देगा व्हाट्सएप कि आपको ये काम करना है। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और तीसरा फीचर हमारा पोल्स, मतलब जैसे कि आपको पता ही है कि YouTube में और Telegram में ये पोल्स का और थ्रीमा ऐप में पोल्स ऑप्शन है, जिसमें आप जिसका चैनल है या जिसका अकाउंट है वो अपना एक पोल क्वेश्चन रख सकता है, उसमें ऑप्शन ऐड कर सकता है। तो WhatsApp में भी ये फीचर आने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएँ बढ़ रही हैं। और ब्लर फेसेस विद बिफोर सेंडिंग इमेजेस, इस फीचर में आपको ये मिलने वाला है कि आपको ब्लर फेसेस, मतलब कि जब आप पहले सेंडिंग है, मतलब आप कोई नए से मिलते हैं और उसके पहले आपको उसकी डायरेक्ट प्रोफाइल दिख जाती है, लेकिन अब उसमें ये होने वाला है कि जब आप फ़ोटो सेंड करेंगे और फिर जब वो आपका अलाउ हो जाएगा तब उसको जाके आप दूसरे को आपकी प्रोफाइल दिखेगी, उसके पहले आपका फेस ब्लर रहेगा ऑटोमेटिकली। और मैसेज रिएक्शंस जैसे कि आपको पता है व्हाट्सएप पे नहीं अवेलेबल है, तो ये टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो ये वाला फीचर्स भी आ सकता है। और ये 6th फीचर निकल के आ रहा है सेंड विदाउट साउंड। टेलीग्राम में एक ऐसा फीचर है जिसमें अगर आप बहुत बिजी हैं और कॉन्टैक्ट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो उसमें एक ऐसा ऑप्शन है कि आप सेंड का ऑप्शन दबाए रहिए और बिना किसी साउंड के आपको मैसेज चला जाएगा। तो ऐसा व्हाट्सएप पे भी फीचर आने वाला है कि व्हाट्सएप अपने आप को बहुत सुधार रहा है। और शेड्यूल्ड मैसेजेस, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे काफ़ी अच्छा अपडेट ये निकल के आ रहा है। जैसे कि शेड्यूल्ड वीडियो होता है आपका और शेड्यूल्ड मैसेजेस भी होते हैं टेलीग्राम में, कि आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं कि जैसे कि आपने अपना मैसेज टाइप कर लिया और उसको 2-3 दिन बाद के लिए शेड्यूल रखा है, कंपनीज के लिए काफ़ी मददगार होगा जो व्हाट्सएप बिजनेस चलाते हैं, उनके लिए शेड्यूल मैसेजेस फीचर काफ़ी काम आएगा। और ये आखिरी फीचर है कैमरा वेरिफिकेशन, जिसमें आपका कैमरा को वेरीफाई किया जाएगा। किक मैसेजर पे ये है, ये फीचर अवेलेबल है, और ये वेरिफिकेशन वाला हमारे व्हाट्सएप पे भी आ सकता है। और गाइस, आपको लग रहा होगा कि मैंने तो अलग अलग ऐप से उनके फ़ीचर निकाल के व्हाट्सएप में वो कर दिए, लेकिन व्हाट्सएप लीक्स दे रहा है कि वो दूसरे ऐप से फीचर्स लेके उसको एक काफ़ी अच्छा ऐप बनाने वाला है, और ये फीचर्स काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे व्हाट्सएप में 2-3 महीनों में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और अगर ये फ़ीचर्स आ चुके हैं तब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप देखिए कि ये लीक सही है, तो इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है।